अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे है कि आपको मालूम है, गवर्नमेंट की कोई भी न्यू जॉब आती है तो कैरियर चैनल आपको सबसे पहले उसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो आए, कोई भी न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आए, आपको उसके बारे में सबसे पहले सारी मालूमात मिल जाए। आज हम जिस जॉब के बारे में बात करने लगे हैं, गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने लगे हैं, वो है फ्रंटियर वर्कर ऑर्गेनाइजेशन। इस पे अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है। आपको आप जस्ट इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको सारी इस जॉब के बारे में डिटेल मैं बताऊंगी और उसके अलावा इस पे अप्लाई कैसे करना है सब तरीका आपको इसी वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। गूगल ओपन करें, उस पर लिखें गेट इन्फो पीके, ये हमारी वेबसाइट है। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे। FWO Jobs 2023 Frontier Works Organization, 5th मार्च को ये जॉब जो अपॉर्चुनिटी मार्केट में आई है। इसकी जॉब की लोकेशन रावलपिंडी नॉर्थ वजीरिस्तान है। क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है इसके लिए, इसको अप्लाई करने के लिए, वो बैचलर मास्टर MBA MS BS ACCA। बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है ये, आप टाइम वेस्ट ना करें, इस वीडियो को बस एंड तक देखें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप जल्दी से इसको अप्लाई कर सकेंगे। फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन जो है, वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन, इसको हायर कर रही है एम्प्लॉयज़ को, और सैलरी इसकी 35,000 से 45,000, 35,000 से 45,000, बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 19 मार्च है। वैकेंसीज जो इसमें अवेलेबल है, मैनेजर मार्केटिंग, मैनेजर डिप्टी मार्केटिंग, मैनेजर डिप्टी मैनेजर फाइनेंस, असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर मैनेजर, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं। कंसल्टेंट, डिप्टी मैनेजर, वाटर पंप स्पेशलिस्ट। एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया अब देख लेते हैं हम, यानी कि हमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इस जॉब को अप्लाई करने से पहले, हमारे पास क्या होना चाहिए। एक तो हमारे पास 3 to 12 years एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस फील्ड में हम अप्लाई करने लगे हैं। सपोज अगर हम फाइनेंस में अप्लाई करने लगे हैं तो फाइनेंस से रिलेटेड डिग्री जो है वो हमारे पास होनी चाहिए। इंजीनियरिंग की इसमें कोई जॉब पे अप्लाई करने लगे लाइक मैनेजर, तो मैनेजिंग में, मार्केटिंग तो मार्केटिंग से रिलेटेड हमारे पास जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट जो इसमें है वो 30 to 40 years के लोग अप्लाई कर सकते हैं, और जो इसके लिए डिग्री रिक्वायर्ड है वो बैचलर मास्टर PhD टू रेलिवेंट डिसिप्लिनस। रेलिवेंट डिसिप्लिनस का मतलब क्या है वो हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अगर आप अप्लाई करने लगे हैं मैनेजर मार्केटिंग के लिए, ठीक है, तो आपके पास MBA मार्केटिंग की डिग्री नेसेसरी है, आपके पास ये होना जरूरी है। इसमें आपके पास सिर्फ एक वैकेंसी अवेलेबल है और मिनिमम एजुकेशन जो रिक्वायर्ड है वो इसमें 12 इयर्स की आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए MBA मार्केटिंग की डिग्री से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड। अगर आपने डिप्टी मैनेजर फाइनेंस के लिए अप्लाई करना है तो आपने या तो ICMA या ACCA या MBA फाइनेंस किया होगा तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। मेल और फीमेल बहुत इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और वैकेंसी जो है इसकी भी एक ही है, और इसमें जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो 8 to 12 year एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, मिनिमम 8 to 12 years एक्सपीरियंस फाइनेंस के फील्ड में। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस, इसके लिए भी सिंपल, MBA फाइनेंस अगर आपने किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 3 to 5 years जो है वो इसके लिए सिर्फ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अगर आपने जूनियर मैनेजर के लिए अप्लाई करना है जियो फिजिक्स के लिए, तो आपने BS इन जियो फिजिक्स किया हो मस्ट, मिनिमम ये क्वालिफिकेशन होती है। अगर आप इससे ज़्यादा पढ़े हैं लाइक आपने PhD किया जियो फिजिक्स में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने BS किया है तो ही आप अप्लाई करें, BS के आगे आपने किया है तो भी आप कर सकते हैं। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है कि यहाँ तक आप पढ़े हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 2 सीट्स यानी कि 2 वैकेंसीज हैं, और मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन रेलिवेंट टू दिस एक्सपीरियंस। आप अपनी, आप देखें कि आपकी डिग्री कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, उसको अवेल करें, टाइम वेस्ट ना करें, और अप्लाई करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हम इसलिए आपको गाइड करते हैं वीडियो में, पूरा अप्लाई करने का मेथड भी बताते हैं ताकि आपको जॉब के लिए लोगों के पास ना जाना पड़े, आप घर बैठ के सिर्फ ऑनलाइन इसको अप्लाई करें और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें।
अगर आपने वाटर पंप स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई करना है तो DAE की मैकेनिकल अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी सिर्फ एक वैकेंसी है और मिनिमम 6 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन है। टोटल 25 सीट्स हैं, 25 वैकेंसीज हैं, ओके। और ये सारी 19 फील्ड्स हैं। आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग अपनी फील्ड चूज़ करें, ठीक है, जॉब के लिए, और उसके बाद आप इस पर अप्लाई करें। आपको अप्लाई करने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे गाइड कर दें मैं कैसे अप्लाई करूं। आपने जस्ट ही हमारी वेबसाइट पे आना है, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं यहाँ से सर्च करके, लेकिन हमने आपको और इजी प्रोवाइड की है, इजीनेस प्रोवाइड की है। आप जस्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ और हम आपको इनकी वेबसाइट पर ले जाएंगे और ये सारी जो है अपॉर्चुनिटीज़ जो अभी हम डिस्कस करके आते हैं, जैसे वाटर पंप स्पेशलिस्ट हैं, इसे हमने ओपन किया है, अप्लाई बिफोर 19 मार्च। 19 मार्च से पहले पहले हमें इसे अप्लाई करना होगा। क्वालिफिकेशन स्किल्स भी बताइए, एक्सपीरियंस मिनिमम 6 ईयर्स चाहिए। इसमें सिर्फ मेल जेंडर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज में सिर्फ 1 है। 25 से 55 ईयर्स के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ओके। अप्लाई नाउ पे आप जस्ट क्लिक करोगे। अगर आपका career.fwo.com पे अकाउंट है तो आप जस्ट लॉग इन करेंगे और अपना फॉर्म फिल कर लेंगे। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना कि मेरा तो अकाउंट ही नहीं है। आपने जस्ट क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। ईमेल आईडी तो हर एक के पास होती है, आपने अपना नाम लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है, पासवर्ड कोई सा एंटर करना है और उस पासवर्ड को आपने बाद में याद भी रखना है। सेम पासवर्ड आपने फिर से एंटर करना है, साइन अप पे क्लिक करना है, आपको एक ईमेल आएगी कंफर्मेशन, आपने उस ईमेल पे क्लिक करना है और आपकी जो अकाउंट है वो कंफर्म हो जाएगा, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। देन आपने अगेन इस पेज पे आना है, अर्न साइन इन पे क्लिक करना है। आप साइन इन करेंगे, आपके सामने एक फॉर्म आएगा जिसमें आपका CNIC नंबर, आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल, आप किस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किस पोस्ट के लिए, ये सारी डिटेल्स आपसे वो पूछेंगे, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना, आपने उसमें सारी डिटेल्स फिल करनी है। हमारी बाकी वीडियोस देख लीजिएगा, उनमें फॉर्म फिल करने का मेथड भी बताया गया है, ओके। और इसके लिए जो मंथली सैलरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और जो एम्प्लॉयमेंट के रूल हैं वो आपको ड्यूरिंग इंटरव्यू बताए जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और ये हमारा फेसबुक पेज है, इसे फॉलो करें, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें ताकि जैसे कोई लेटेस्ट जॉब आए गवर्नमेंट वो आपको उसी टाइम पता चल जाए और आप सबसे पहले अप्लाई करें उस पर और इस वैकेंसी को, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम नेक्स्ट भी आपके लिए ताकि अच्छी सी अच्छी वीडियोज़, अच्छी सी अच्छी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए लेके आते रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।